हमारे यहाँ बचपन में कहावत थी कि बिच्छू मुंह से जब काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। नेचर की जो खूबसूरती दोस्तों होती है उसमें कुछ जगह पे डर भी लगता है, लेकिन वो वाकई में खूबसूरत ही होते हैं। और इंसानों से ज़्यादा तो हमें लगता किसी से इंसान को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इंसान ही वो एक जीव है जो सबसे ज़्यादा इंसानों की जान लेता है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो ये कुदरत के बनाए हुए मासूम जीव हैं, लेकिन लोगों ने हम ही लोगों ने इनको कहीं ना कहीं ख़तरनाक श्रेणी में रखा हुआ है और इनसे नफरत करते हैं और इन्हें मार देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि घर में आपके अगर आए तो जाहिर सी बात है कोई चारा नहीं रहता है और इंसान मार देते हैं, लेकिन अगर जान बचाने की कोशिश की जाए तो बचा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें रेस्क्यू करके किसी तरह से भी उन्हें बाहर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, बिच्छू के बारे में एक भ्रम है वो मैं ज़रूर बता दूँ। हमारे यहाँ बचपन में कहावत थी कि बिच्छू मुँह से जब काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं है, जबकि ये पूरी तरह से एक गलत बात है। बिच्छू मुँह से काटता ज़रूर है, लेकिन बिच्छू के मुँह में जहर या वेनम नहीं होता है। बिच्छू के जो वेनम होता है वो सिर्फ इसके डंक में ही होता है, और इसके काटने से अभी तक कोई मौत तो नहीं साबित है। लेकिन जो दूसरी बिच्छी है, जिससे जो ब्राउन बिच्छी होती है जो कि इससे छोटे साइज में होती है, उसका दर्द इसके दर्द से कहीं ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो इसको हम यहीं बाहर छोड़ दें। तो देखा, इसको तो नहीं लग रहा छोड़ दें, नहीं तो इसको रिलीज कर देते हैं। सांप की ये इन्फॉर्मेशन है, आइए। तुम आए।